बिहार में बेखौफ बालू माफिया ऑन ड्यूटी दारोगा को कुचला, दारोगा प्रभात रंजन की मौत, अवैध रेत परिवहन की चेकिंग कर रहे थे दारोगा। बिहार के जमुई से दारोगा को कुचलने का मामला सामने आया है। इस वारदात को बालू माफिया ने अंजाम दिया जिसमें दारोगा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दारोगा सड़क पर अवैध रेत परिवहन की चेकिंग कर रहे थे। घटना के बाद बिहार में अपराधियों के बुलंद हौसले चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार सुबह एक बालू माफिया ने अपनी टीम के साथ सड़क पर चेकिंग कर रहे एक दारोगा को ट्रैक्टर से कुचल दिया। वारदात में दारोगा की मौत हो गई, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वारदात जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र के चनरवल पुल के पास हुई। दारोगा प्रभात रंजन को सुबह 7 बजे अवैध बालू के परिवहन की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद वो तुरंत अपनी टीम के साथ चनरवल पुल के नजदीक पहुंचे और चेकिंग करने लगे। इस बीच सामने से एक ट्रक आया जिस पर अवैध रूप से आ रही बालू लदी हुई थी। दारोगा प्रभात रंजन ने जब ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो बालू माफिया उनको रौंदता हुआ निकल गया। इस घटना में एक अन्य पुलिसकर्मी राजेश कुमार घायल है जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले प्रभात रंजन 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। घटना के बाद बिहार में सुशासन पर सवाल उठ रहा है। बेखौफ बालू माफिया के बुलंद हौसले चर्चाओं में है। बीजेपी जंगल राज की वापसी का आरोप लगा रही है। देखना होगा घटना के बाद पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे।